I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel, Wanda Fam. So guys, after so many demands, मतलब आप लोग को नोटिस हुआ एक मिनट रुको यार बाल ठीक तो लग रहे हैं हाँ प्लीज यार कोई मेरे बालों के बारे में बात नहीं करेगा प्लीज कोई बालों के बारे में बात बोलते ना कि लाओ नो यार प्लीज नोटिस हुआ पक्का अब भी कमेंट करो बताओ क्या चल रहा है ये सब मैंने कहा था बिल्कुल कोई ये एग्जैक्टली कहा था कि नहीं बोला क्या है तू अजीब लग रही थोड़ी ओ इसके भी बाल अलग नहीं लग रहे भाई मेरे बाल चपटे चपटे लग रहे थोड़े से नहीं देखा यार यू जस्ट कांट ओके नॉर्मल है ये किधर गए वो काली काली ज़ुल्फ़ों के फंदे ना डालो मेरे बालों को पहले टच करना बंद कर अच्छी लग रही है अच्छी लग रही है ऐसा बोला गया मुझे बोलने के लिए पैसे दिए गए अरे घर आते हुए तो उसको एक आंटी ने पूछ भी लिया था बेटा मम्मी कहाँ है मम्मी के पास जाना है लग रही है मम्मी का नंबर आता है ओके तो गाइस बहुत मजा आ गया इसने जो चीज नहीं करने कही थी हमने कर दी एंड प्लीज नोटिस में मत लाना किसी के किसी को कुछ मत बोलो जिसको नोटिस मैं कल कमेंट्स नहीं पढ़ूंगी प्लीज तुम लोग ही पढ़ना मैं नहीं सहन कर पाऊंगी कोई कुछ अगर बुरा बोलेगा तो ये वो तो ये सब हमने बता दिया अब यहाँ पर सो ओके ओके मूविंग ऑन सो मूविंग ऑन नहीं नहीं बट पहले बता दो इसके भाई कैसे लग रहा है मेरे को तो अच्छे लगे सच्चे में अच्छे लगे क्यूट लग रही है देखो भी पैसे दिए इसने ओके तो बैक टू द टॉपिक हम आज बहुत भाग रही है ये बस यहाँ से निकलो हम आज एक बहुत डिमांडेड वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं एंड इन द लास्ट फ्यू डेज आई थिंक ये बहुत ज्यादा उठ के आया है वीडियो एंड हर कोई वाईएस के बारे में बात करना चाहता है तो इट इज Why are you looking at me? बहुत अजीब लग रही है अरे नहीं क्योंकि मैंने कमेंट्स ही नहीं पढ़े यही बोल पाएगी कि क्या चल रहा है हाँ तो ये आई थिंक दो या तीन वीडियोस बहुत ज्यादा डिमांडेड है और उसमें से ये सबसे ज्यादा डिमांडेड है तो और मैं डायरेक्टली पता है वाईएस के अकाउंट में गई थी टू सी की ठीक है जिसपे रिकमेंड रिएक्शन देना है लेकिन वाईएस पे अपलोडेड नहीं है ये पेप्सी ने अपलोड किया अरे माउस वंस अगेन सो हिला दे कैमरा पूरा हिला दे ओके पास से अच्छी लग रही है या तो गाइज ये पेप्सी ने अपलोड किया है वाईएस ने अपलोड नहीं किया है तो आई थिंक ये ब्रांड के साथ ब्रांड का न्यू सॉन्ग होने वाला है ब्रांड का सॉन्ग है व्हाई नॉट मेरी जान क्योंकि पेप्सी के टैग लाइन इज पेप्सी मेरी जान समथिंग मेरी जान रहता है इन लोगों का तो आई थिंक कुछ वैसा इन्वॉल्वमेंट वाला न्यू कुछ कैंपेन टाइप का लेट्स सी क्या है दिस इंटरेस्टिंग ये बस भाग रही आज If you want to see the future, you should come and see us. We can be a lot of things, but we choose to be us. आजा बैठें थोड़ा बात करें जिंदगी की सबके अपने अपने मतलब पर मैं मतलब ही नहीं एक ही बार जीना है तो why not मेरी जान कोशिश करने वालों पे हो खुदा बहुत मेहरबान कलम तोड़ कलाकार मेरे बहुत कदरदान जब भी सोचे तो सोचे out of the box मेरी जान ये real talk है ब्रदर के हसल रुक जाती अगर तो उस मंजिल पे कैसे पहुंच दे के जाना है जिधर आने वाले कल की खबर है ना गुजरे कल की फिक्र गेम डाल दी heavy baby तू vibe तो पकड़ and just move to the groove of this life कभी high कभी low that's the rule of this life love you love it मेरी जान I'm all about the good vibes hard times are seeing it's gonna be a good life उम्मीद पे है पूरी दुनिया कायम और अब करते करते ग्राइंड क्यों ना बदल दे हम टाइम माइंड ओवर मैटर सो आई होप यू डोंट माइंड सीधी बात जानी ना ही जाते दाएं ना ही बाएं व्हाई नॉट आजा सोचे दायरे से बाहर व्हाई नॉट सवाल नहीं जवाब मेरी जान व्हाई नॉट हर मुश्किल होनी पार मेरे यार ये वो माइंडसेट दैट्स गोना टेक यू फार मेरी जान व्हाई नॉट व्हाई नॉट व्हाई नॉट
why not, why not, why not, meri jaan, why not. सवाल वही है बस करने के अंदाज अलग, मसले से बड़ी सोच होती मेरी बात समझ, अंधेरे भी हो जाकर हो जाते हैं चाहे जब, मंजिल पे शक दूर जितनी मुड़ के पीछे भागेगा, लाइफ इन द फास्ट लेन, फरारी जा रही है ख्वाबों से बड़े फैसले, सर पे जिम्मेदारी है, मेहनत जाती रहेगा ना उसका फल है, हम ही आज है हम ही कल है, रोज करूँ ग्रो जैसे रोज नया शो, नया दिन नई खोज, मेरा इल्म मेरा दोस्त, कभी खुद को दे दोष, कभी खुश मैं खामोश, कभी इस कलम से बदल दूँ अपनों की सोच, ये सीखे हुए जिंदगी से कल कहीं थे अब कहीं है, वक्त तो बदले हर घड़ी पे, कम तरी है बरतरी है, बेगरी से बेहतरी, बराबरी में बेबसी है, खुद से कैसी बेदली है, मिसाल छोड़ो मैं बस ख्याल हूँ, होते सवाल कैसे इतना बाकमाल हूँ, सोचे बहाल होने दे मैं वो मजाल हूँ, लोगों की उम्मीद हूँ मैं कैसे सब कुछ हार दूँ, आधा सोचे दायरे से बाहर, why not, सवाल नहीं जवाब मेरी जान, why not, हर मुश्किल होनी पार मेरे यार, ये वो mindset that's gonna take you far मेरी जान, why not, why not, why not, why not, why not, why not, why not meri jaan, why not, 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 why not meri jaan, why not. You look so cool. Oh wow. आज के टाइम यूथ के लिए एंड यूथ का बनाया काइंड ऑफ था एग्जैक्टली एंड जैसे वो एक मतलब हर एक गाने के टाइम हर एक पार्ट था वहाँ पे कितना अच्छा वो मूव थे कितनी अच्छी एडिटिंग थी exactly. इसका पोस्ट प्रोडक्शन वर्क बहुत ही क्लासी बहुत है बहुत जो एडिटिंग है ग्राफिक्स है एक सेकंड भी ऐसा नहीं था जहाँ पे उन्हें एक ऑर्डिनरी शॉट चल रहा है exactly. कुछ ना कुछ ताम कुछ ना कुछ एंड इसमें जो बाकी के यू नो जूनियर्स थे और जो दूसरे आर्टिस्ट दिखाए गए वो सब भी कितने अलग हैं कितने ज्यादा फ्रेश एग्जैक्टली बहुत फ्रेश हैं एक तो आप जब डांसर्स को ले लो वीडियो में वो वीडियो को इतना ज्यादा आई थिंक उसका इम्पैक्ट 10 times बढ़ा देता है क्योंकि उनका वो एक स्वैग होता है उनका वो डांस करने का अंदाज होता है द वे दे लुक एट द कैमरा और कितना मतलब आई थिंक पूरा वीडियो इतना ज्यादा आज के टाइम का है ना जो हम फील कर सकते हैं आप फील कर सकते हैं एंड पूरा जो सारे लिरिक्स थे वो एग्जैक्टली वायस टाइप के ही थे ऐसा नहीं कि उन्होंने पेप्सी के लिए अपना स्टाइल चेंज किया कुछ अलग चल रहा है यहाँ पे Exactly वायस जैसा ही था इसमें सब कुछ एंड द बेस्ट पार्ट इज पेप्सी ने अपने आप को बहुत मिनिमम रखा है जो ये अट्रैक्टिव हाँ वरना अगर पेप्सी लेके आ रहा है तो ऑफकोर्स वो यही चाहेगा पूरे टाइम तो पेप्सी पेप्सी करो कुछ ऐसा करो जिसके अंदर ब्रांड नेम तुम इतना ज्यादा बोल दो कि उसका रिकॉल वैल्यू बढ़ जाए कुछ ना कुछ ऐसा बट इसके अंदर पेप्सी बस क्योंकि हमें पता था ये पेप्सी का है एंड थोड़ा सा बस हल्की सी एकदम स्लाइड स्लाइड लोगोस आ रहे थे वो भी आई फील यू नो इन फिल्म लग रहा था जैसे नॉर्मली आप कोई भी फिल्म देखते हो इन फिल्म एडवर्टाइजिंग होता है इसका टर्म है ये ऐसा लग रहा था कि ठीक है ये बस प्लेस किया हुआ है Yes. लेकिन कहीं भी वो ऐसे फोर्स नहीं किया कहीं भी उन्होंने पेप्सी को ज्यादा बार जिक्र नहीं किया कुछ भी ऐसा नहीं किया जैसे लग रहा था कि हाँ ठीक है पेप्सी ने खुद का एक गाना निकाल दिया वो बहुत ही एक्चुअली वो लोग ज्यादा अट्रैक्ट करने के टाइप ट्राई करते ना उतना ही दिस वॉज वेरी नाइस एंड परफेक्ट कास्टिंग बाय द वे मतलब पेप्सी ने क्या कास्ट चूज किया इसके कैमरा एंगल्स भी बहुत मस्त है एक वो कार के बाजू वाला गोप्रो अटैच है बहुत सारे लिटरली याद भी नहीं है मेरे को तो यार एक्चुअली तुझे पता है मेरा वीडियो पे लाइक एग्जैक्टली सिर्फ वीडियो पे फोकस शिफ्ट शुरू के थोड़े सेकंड्स था एंड उसके बाद में जब उनके लिरिक्स स्टार्ट हो गए एंड सब नहीं मेरा लिरिक्स पे कम था फोकस मेरा वीडियो पे बहुत ज्यादा था मेरा लिरिक्स पे ज्यादा था लिरिक्स पे ज्यादा था लिरिक्स वर फैब क्योंकि जैसे स्टार्ट हुआ इट वाज लाइक हू वेरी फ्रेश और एकदम न्यू टैक न्यू वीडियो न्यू फेसेस एक्चुअली
कुछ फेसेस पे भी इतना फोकस है, वो भी न्यू था हम लोग को, वो भी अट्रैक्टिव लग रहे थे बहुत ज्यादा, वो डांस बीच में कैसा डांस थोड़ा रफ्तार जैसा वाइब दे रहा था, पता नहीं एक डांसर रफ्तार जैसा वाइब दे रहा था, मैं उनके डांस देखते कितना कूल लग रहा था, बट इनका स्वैग यार बहुत मस्त लगता है, मतलब वो ना अरे मतलब वो ना ऐसा स्वैग जरा दिख जाता है कि वो अंडरग्राउंड रैपर्स फिर ये अपना रैप क्या बोल रहा हूँ मैं रैपर्स होते हैं जो उनके लोग स्वैग होते हैं वो कोई कॉपी नहीं कर सकता, दी ओनली थिंग इज यूनस कितने पतले होते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने एक म्यूजिक वीडियो देखा है जो काफी काफी एक्साइटिंग लग रहा है क्योंकि वो इतना मस्त, मतलब एक अलग ही फील आ रहा है, पता नहीं म्यूजिक वीडियो में इन दोनों को देख के पता नहीं बहुत, हमने पहले भी वीडियोस में कहा है बहुत फैमिलियर फील है, एक आजाद है के टाइम पे भी उतना ही फन था, बट आजाद है वाज अ वेरी डिफरेंट वीडियो, इट वाज मोर अबाउट यू नो पाकिस्तान और वहां के जो सीनिक व्यूज हैं उनके बारे में था वो शॉर्ट वाइज, हाँ बहुत डिफरेंट था, वरना आई फील जो एडिटिंग लेवल्स है दोनों ने बहुत, आजाद ने भी बहुत अलग किया, आजाद वाज प्रॉपरली अबाउट जो उन्होंने शॉट लिए है, दिस इज पोस्ट प्रोडक्शन, दिस इज वेरी मच पोस्ट प्रोडक्शन, मेजरली पोस्ट प्रोडक्शन, जहाँ पे पता है कुछ कुछ स्टेप्स पे जैसे वो नियोनिश व्हाट यू से वो काफी कूल लग रहा था, मतलब पूरे टाइम इन लोगों ने ग्राफिक्स को इतना अच्छे से यूटिलाइज किया, एक बार मंजिल से जो कूदा था मंजिल से दूर, काफी सॉन्ग्स में पता है बहुत ज्यादा यूज करके ना बहुत पॉपी पॉपी हो जाता है यार, ये डेंजर वाला हो जाता है, बट इसमें बहुत ही बैलेंस था, प्रॉपरली यूज्ड एक्चुअली, चाहे फुल्ली यूज करो लेकिन उसको प्रॉपरली स्मार्टली यूज करना इज द थिंग, थ्रू आउट भी यूज करो तो, वरना यू नो एक रैंडम आउटडेटेड काइंड ऑफ जब यूज होता है ना तब ऐसे लगता है कि वॉनबी, या काफी बार ऐसा लगता है कि अरे जस्ट बिकॉज ये आज के टाइम का म्यूजिक है यू विल फोर्स इट ऑन द फेस, लेकिन आई थिंक ये लोगों ने इतना अच्छा बैलेंस रखा है, वेरी स्मार्टली यूज्ड एंड बहुत कूल था, मतलब इतना अच्छा कॉम्बिनेशन, इनोवेटिव था, एक तरफ रैपर्स है सिंगर्स है एंड एक तरफ डांसर्स है, जो ये भी तब वो स्वैग वाली लग रही है यार, बोले तो फ्रेश लग रही है, फ्रेश फ्रेश गाइस, काफी मजा आया, थिंक ग्रेट वर्क, ग्रेट ग्रेट, मतलब अनडाउटेडली ऐसे टाइप के वीडियोस में बहुत मजा आता है यार, बहुत ज्यादा मजा आता है ऐसे टाइप के वीडियोस में क्योंकि ये बहुत न्यू होता है, बहुत फ्रेश होता है, और भाई वीडियो है ये तो लिरिक्स लिरिकल वीडियो नहीं है, हाँ तो हमेशा ऐसा होता है लिरिक्स पे ध्यान होता है, लेकिन दिस टाइम आई एम सो हैप्पी कि मेरा लिरिक्स पे ध्यान नहीं था भाई, मेरा वीडियो पे था बहुत ज्यादा, नहीं वीडियो एक्चुअली ना अगर कोई और ऑर्डिनरी वीडियो होता ना तो हमारा सिर्फ और सिर्फ लिरिक्स पे फोकस होता, बट इसमें ना इतना अट्रैक्टिव था वीडियो, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था कि लिरिक्स से बीच बीच में फिर भी से ध्यान आता था कि वीडियो में क्या चल रहा है, इस टाइप का, क्योंकि कितने कूल चीजें चल रही थी, ट्रांजिशंस बहुत कड़क वाले थे जैसे वो जंप वाला था, एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था कितनी कूल सीरीज ऑफ चीजें हैं, एक खत्म हुआ डांस मूव इतना कड़क वाला, वो गया ये मतलब ऐसा लगा था लिरिक्स और वीडियो को काफी हद तक, मतलब सेम चीजें थी, सोच के टाइम पे भी देयर वाज अ गर्ल स्टैंडिंग विद वो प्रोटेस्ट का एक बोर्ड, तो ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं हमने मिस किए काफी चीजें, काफी चीजें, अरे ये चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर हमेशा ना, जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो प्लस अमेजिंग लिरिक्स वाले होते हैं ना उनको एक सेकंड थर्ड टाइम देखना ही पड़ता है कि आप टोटली उसको समझ पाओ, पूरा देख पाओ, एक साथ में नहीं होता भाई, इतनी मल्टीटास्किंग नहीं हो पाती है, एग्जैक्टली हमसे सिंगल टास्क भी भाई मानवर होता है इधर, तो काफी अच्छा था, बहुत अच्छा था, थैंक यू पीपल फॉर रिकमेंडिंग, अगर आप लोग नहीं बता रहे तो हमें शायद पता भी नहीं चलता, क्योंकि मैं YS के जब अकाउंट पे गया थी वीडियो कहाँ है फिर तो मैंने पता कैसे चला, हाँ तो मैं नाम तो आया था ना कॉमेंट्स में, मैंने बहुत पढ़ा है, तो मैंने ये नाम सोच के ना ओ पेप्सी ने डाला है ये, थैंक यू, अगर आप लोग नहीं बताते तो नहीं पता चलता, और बताओ लाइक करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो एंड अबाउट एवरीथिंग एल्स आल्सो एंड सब्सक्राइब करो, कुछ टाइम में तो कुछ टाइम में मेरे बाल भी इसके जितने हो जाएंगे यार, एकदम ऐसा मैं वैसे और शॉर्ट कराने वाली हूं, सबसे लंबे बाल वाली मैं और शॉर्ट कराने वाली हूं, तो बाल सेम, हां आफ्टर 3 मम्मी ने कहा था ना और छोटे करा लो, तो मैं और अभी नहीं आफ्टर 3-4 मंथ्स लेट्स सी एक डिफरेंट हेयर स्टाइल देने वाली हूं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।